फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल। आज मैं 5 दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चों के टेस्ट ख़त्म हो गए हैं। 1 हफ्ते 10 दिन से टेस्ट चल रहे थे, अब टेस्ट ख़त्म हो गए हैं और आज है 1 मई। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम से मेरा मतलब है 11 बजे। तो और आज मैंने कपड़े भी वॉश किए हैं, मशीन लगाई थी। तो काफ़ी दिन से मैंने मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि बिज़ी थी काफ़ी और फिर तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी। तो मतलब काफ़ी टाइम बाद मशीन भी मैंने लगाई, तो आज ब्लॉग भी इसीलिए शूट कर रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ भरवा करेले। थोड़ा सा अलग रेसिपी है तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इससे पहले भी मैंने करेले की रेसिपी आई थिंक शेयर की है, वो दूसरी तरीके की थी और ये न्यू स्टाइल में है। तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ ये शेयर की जाए। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो दोस्तों, सबसे पहले करेले को आप छिल लीजिए, जिससे हम आलू छिलते हैं ना, उससे आप छिलिए। बहुत ईजली छिल जाता है और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो जिससे आप आलू छिलते हैं उसे फटाफट से आप इसको हल्का हल्का सा छिल लीजिए। बहुत ज़्यादा छिलने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का सा छिलिएगा। उसके बाद इसमें आप जो है नमक और हल्दी लगा के इसकी अच्छे से कोटिंग कर दीजिए, मतलब चारों तरफ से ये लग जाए, इस तरीके से करिए। नमक और हल्दी लगाने से ये होगा कि नमक से इसका पानी छूटने लगेगा। बस 10-15 मिनट के लिए हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मीडियम प्याज लिए हैं क्योंकि 1/2 किलो करेला है, और लहसुन की 10-15 कलियाँ ले ली थी, वो मैंने बारीक चॉप कर ली है। और ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो करेला है इसको इस तरीके से दबा दबा कर इसका पानी निकाल देना है, जिससे इसका जो कड़वापन है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसको इसके बाद हमें जो इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पर चाकू से इसके पेट को चीर दिया है और इसमें ये जो भी बीज हमें दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हमें निकाल देना है। अगर आपको बीज अच्छे लगते हैं तो आप इसको रख सकते हैं, अगर पके हुए हैं तब तो बिल्कुल ही आपको इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मुझे और मेरे घर में सभी को बीज पसंद नहीं है, तो मैं इसको सब निकाल दूँगी। अगर आपको पसंद है, हालांकि ये जो है आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं बीज, नुकसान नहीं करते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें चीरा लगा दिया है। कुछ के बीज तो ज़्यादा ही पके हुए थे तो वो काफ़ी हद तक मैंने निकाल दिया है। 1-2 बीज अगर रह भी जाएँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इस तरीके से सबको मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में ये बहुत अच्छे बनते हैं और इनको मैंने फ्राई कर लिया है। तो फ्राई करने के लिए आप मीडियम गैस रखिए और जो है इसको अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। 80% तक हमें फ्राई करना है, बाकी हम इसको भरने के बाद जो थोड़ा सेकेंगे तो वो 100% हो जाएगा। तो इसको सेकने में फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मान के चलिए कि 10 मिनट लगेगा आपको इसको फ्राई करने में। उसके बाद यहाँ पर एक तवा लिया मैंने और तवे पे खड़ी धनिया जो होती है वो मैंने डाल दी है। खड़ी धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा मैंने इसमें सौंफ डाली है और कलौंजी डाली है और मेथी डाली है। तो सौंफ, कलौंजी और मेथी की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, सिर्फ खड़ी धनिया की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इसको इस तरीके से आप तवे पे भून लो और इसको मिक्सी में महीन सा पीस लो। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में आजकल अवेलेबल है भरवा करेले का मसाला, वो आप लाओ। और दूसरी तरफ मैंने जो कढ़ाई में तेल बचा था, जो करेले मैंने फ्राई किए थे उससे जो तेल बचा था, उसी में जो प्याज मैंने पीस कर रखा था वो डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और ये दूसरी तरफ मसाला भी तैयार हो गया है मेरा मिक्सी में पीस कर, तो वो मैंने 2 से 3 चम्मच मसाले इसमें डाल दिए हैं और इसको ना अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है।
और इन मसालों के अलावा, अभी तो मैंने ये डाला है, इसके अलावा इसमें जाएगा हल्दी। तो हल्दी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें जितना आपको डालना है, और कोई भी मसाला अगर आप डाल रहे हों तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को हल्दी, यहाँ पे देखिए मैंने पिसी खटाई डाली है, पिसी खटाई की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि करेले में कड़वापन होता है, तो अगर आप खट्टा ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस यहाँ पर मैंने पिसी खटाई डाल दी है, और अगर पिसी खटाई ना हो तो आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नमक डाला है, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम ज़्यादा हो सकता है। तो बस इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और ये बनकर तैयार है। बस इसमें लास्ट में मैंने इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए अचार का तेल डाला है, क्योंकि अचार का तेल जो होता है थोड़ा उसका स्वाद अलग ही होता है। अगर आप किसी सब्ज़ी में भी डाल दें तो मज़ा आ जाता है, खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, तो ये आप अगर आपके घर में अचार है तो आप उसका तेल जो है इसमें डाल सकते हैं। और अब मैंने लिया है उसी कढ़ाई में, मसाला निकाल लिया मैंने, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, बस एक चम्मच के बराबर, और उसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है। अब बेसन को हमें थोड़ा सा भूनना है, अगर आप कच्चे बेसन में ही करेले डाल देंगे तो वो बिल्कुल जो है कच्चापन सा लगेगा। तो इसे ना हमें 2-4 मिनट इसको भूनना है, जब इसमें से खुशबू आने लगे तो समझिए कि आप ये पक गया है। तो बस इसको हमें हल्की बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हमें इस तरीके से भून लेना है। तो ये देखिए ये हल्का सा ब्राउन होने लगा है, ये भुन गया है और इसमें बहुत अच्छी सी एक खुशबू आने लगी है। तो बस हमने जो करेला था वो हमने भर लिया था और उसको हमें इसमें फ्राई कर लेना है। मैंने इसमें कहीं भी धागा नहीं लगाया है कि धागा मैं लपेटूँ, क्योंकि इसको हमें बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है। और इसको मैंने आराम से भर लिया था और ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, आप देखना कढ़ाई में बिल्कुल भी इधर उधर नहीं लगेगा। और इसके ऊपर जो बेसन की कोटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। तो आप इस तरीके से ज़रूर करेला बनाओ। और ये जो डंठल है ना, मैंने इसको नहीं निकाला इस वजह से कि अगर आप किसी चीज़ से चलाते हो तो उसमें दिक्कत होती है, तो आप ना इस डंठल से इसको ऐसे उठाओ और ऐसे आराम से पलट लो। तो ये बनकर तैयार हो गया है, और ये देखिए लाजवाब भरवा करेले की न्यू रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त बनी है, तो ज़रूर बनाइएगा। और ये मैंने मार्केट से मिक्स अचार मंगाया था, और एक ये क्या बोलते हैं उसको, मिर्चे का अचार मैंने अपने लिए मंगाया था और बच्चों के लिए मिक्स अचार मंगाया था, तो वही मैंने बर्नी में निकाल दिया है। हेलो दोस्तों, आज हस्बैंड ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया मुझे, क्या ही कहें, मैं उनसे लड़ भी नहीं सकती। लेकिन अगर शायद 10 साल पहले ऐसा होता था तो मैं बहुत लड़ती थी, गुस्सा रहती थी, लेकिन अब नहीं लड़ती मैं। आज एक्चुअली हम लोगों को कहीं जाना था, सुबह ही डिसाइड किया था क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी, तो सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया था जाने के लिए, गई 4 बजे और उन्होंने खाना खाया और बोले थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और मैं तैयार हो गई थी, मैंने कपड़े पहन लिए थे, पूरा तैयार हो गई थी मैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, मतलब वो सो जाएं। तो और सोए तो फिर मैंने उनको जगाया नहीं, और फिर 6 बज गया तो जाना कैंसिल हो गया। मैंने कपड़े चेंज किए लेकिन मैं गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि अब इतना आने जाने पे गुस्सा नहीं होते हैं, टाइम काफ़ी चला गया है तो गुस्सा नहीं होते हैं। और लेकिन हाँ, कुछ टाइम पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी, लेकिन अब नहीं होती। और अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी, चुप रहो, तो मैं नहीं दिखा रही, अरे बहुत परेशान करती है। और जो है मैं
लाई थी नेल पॉलिश, मैंने लगाई भी है। ये देखिए ये पर्पल कलर की है, तो एक ये कलर है, मैं अपना दिखा दूँ। एक ये मेरी साड़ी का कलर है जो मैंने पहन ली है, नई लाई थी मैं। एक ही ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन, मतलब कौन सा रामा कलर शायद कहते हैं उसको। और एक ये पर्पल है जो मैंने लगा रखा है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक नाम तो उसका जूस है, जूस उसकी कंपनी है। हाँ ये देखो JUICE जूस कंपनी है, लॉन्ग स्टे। तो वाकई में लॉन्ग स्टे है ये, क्योंकि मैंने इसको कल लगाया था, और आज मैंने बहुत सारे काम किए। मैंने कपड़े भी धुले, बर्तन भी धुले, और सारे काम किए, लेकिन ये छूटी नहीं। तो ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये मुझे एक मिली है 60 रुपीज़ में। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अब दोबारा मुझे कोई कलर लेना होगा तो मैं उसी शॉप पे जाऊंगी, हटो सुमी, उसी शॉप पे जाऊंगी लेने, क्योंकि कई जगह से मैं ले चुकी हूँ। बहुत कम ऐसा आजकल मिलता है कि क्वालिटी अच्छी हो नेल पॉलिश की, लेकिन इसकी अच्छी थी। तो और वहाँ पर से मैंने चूड़ियों का सेट भी लिया था बहुत टाइम पहले, मैं वहीं से चूड़ियों का सेट बनवाती थी, लेकिन पीछे मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी। पहले मेरा घर जो है कहीं और था, तो मैं वहीं से लेती थी, लेकिन अब यहाँ आ गई हूँ तो मतलब नहीं लेती थी। लेकिन स्पेशली अगर मुझे चूड़ी का सेट बनवाना होता है तो मैं वहीं जाती हूँ। तो वहीं से मैंने मुझे लिपस्टिक मतलब ये नेल पॉलिश दिख गई, और साथ में बेबो भी थी तो उसको भी अच्छा लगता है लेना, तो इसलिए मैंने ले लिया था। लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने अगर कोई और नेल पॉलिश मैंने लगाई होती तो इतना काम करने के बाद ना वो छूट जाती, आजकल ऐसा ही होता है छूट जाती। लेकिन ये आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी धुले हैं, लेकिन ये लगी हुई है तो बेस्ट क्वालिटी है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी, हाँ, और मुझे ये बताना था करेले बहुत टेस्टी बने थे, और वैसे तो मैं दूसरी तरीके से बनाती थी, आज मैंने नए तरीके से बनाया, और इसीलिए मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है और रेसिपी। तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल कड़वापन नहीं था, और बहुत मतलब हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आप लोगों को आज का ये जो ब्लॉग है वो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।